तो हेलो गाइस, माय नेम आकाश, आपका मेरे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम एक डोरबेल बनाएंगे जो आपकी बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करेगी और ये आपकी लाइफ टाइम तक खराब नहीं होगी। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई से फ्रेंड्स चलती है, आप इसको 12 वोल्ट अडेप्टर या 12 वोल्ट बैटरी से चला सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको 12 वोल्ट अडेप्टर से सप्लाई दे रहा हूँ। देखिए हमारी ये वर्क करना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं जब मैं इसकी स्विच ऑन करता हूँ तो हमारी ये कितनी अच्छी तरह से वर्क करती है, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको घर में बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो बनाता ही रहता हूँ। तो चलो इसकी मेकिंग देखते हैं गाइज। हमें सबसे पहले एक प्लाईवुड का पीस कट कर लेना है जिस तरह से मैंने कट किया, और दूसरे नंबर पे हमें एक जो हमारे पुराने साइकिल की घंटी होती है मैंने उसको खोल कर अच्छी तरह से यहाँ पे साफ कर लिया। और इसको लगाने के लिए, कार्डबोर्ड पर लगाने के लिए यहाँ पे मैं एक नट बोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको इसको जल्दी से कस के दिखा देता हूँ। अंदर से हमें एक नट बोल्ट लगाना है इस टाइप का जिससे हमारी जो घंटी है वो ढीली ना हो। जल्दी से मैं इसको भी अच्छी तरह से टाइट करने के लिए यहाँ पे मैं प्लार का यूज कर रहा हूँ। प्लार के द्वारा हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर रहे हैं जिस टाइप से मैं यहाँ पे प्लास के द्वारा इसको टाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और हमें अंदर की साइड से एक नट और लगाना है जिससे हमारी घंटी ऊपर नीचे ना हो। और हमें कार्डबोर्ड में होल उतना ही करना है जितने में हमारा ये नट बोल्ट टाइट है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो घंटी पूरी फिक्स लग चुकी है। यहाँ पे मैं 12 वोल्ट की मोटर का यूज़ कर रहा हूँ। हमें यहाँ पे 12 वोल्ट की मोटर को यहाँ पे रख के अच्छी तरह से मार्किंग कर लेनी है जिस टाइप से मैं वीडियो में आपको करके दिखा रहा हूँ। मार्किंग करने के बाद हमें इसी जगह पे हमारी जो मोटर है इसको इस टाइप से यहाँ पे चिपका देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको चिपकाने के लिए मैं यूज करूँगा हमारी ग्लू गन, ठीक है फ्रेंड्स। मैं अभी आपको चिपका के दिखाता हूँ। इसको ग्लू गन अच्छी तरह से चिपकाऊंगा मैं आपको अच्छी तरह से। करने के बाद हमारी जो मोटर है उसको यहाँ पे इस टाइप से छिपका कर इसकी साइडों पे भी अच्छी तरह से लगा देंगे। यहाँ पे हमारी मोटर है जो हिले नहीं। आप यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू का भी यूज कर सकते हैं। मैं इस ग्लू गन को चिपका रहा हूँ। ठीक है गाइस, हमारी जो मोटर अच्छी तरह से चिपक चुकी है। और हमारे जो नट है यहाँ पे लगाया था हमें इसके ऊपर भी अच्छी तरह से ग्लू लगा देनी है क्योंकि हमारा नट यहाँ से हिले नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी ये सब कंटेक्टिविटी हो चुकी है और यहाँ पे हम इसकी वायर जो हम मोटर की इसको इस टाइप से यहाँ पे इस टाइप से फिटिंग करेंगे। यहाँ पे गाइस मैं हमारा जो 12 वोल्ट सॉकेट है उसको उसके ऊपर हम कनेक्टिविटी कर देंगे हमारी वायर की। हमें सबसे पहले इसको यहाँ पे स्ट्रेच से चिपका लेते हैं। हमारा 12 वोल्ट सर्किट यहाँ पे
अच्छी तरह से लग चुका और हम इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पर कर देते हैं। और वायर, दो वायर और ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं दो वायर ले रहा हूँ और वायरों को हमें आगे से अच्छी तरह से छील लेना है। जिस टाइप से मैं यहाँ पे छील रहा हूँ उस टाइप से हमें वायरों को आगे से छील लेना है। छीलने के बाद हमें इसके ऊपर अच्छी तरह से शोल्डरिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से शोल्डिंग कर लिया और जो हमारी दूसरी वायर इसको इसकी ब्लैक वायर के साथ अच्छी तरह से शोल्डिंग करने के बाद हमें इसके ऊपर हमें शोल्डिंग कर देनी है। हमारी जो वायर है हमें शोल्डिंग कर देना है। हमारी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे लगा देते हैं तो हमारी जो वायर है वो अपनी जगह से ना भी हमारी जो शोल्डिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें सबसे पहले एक वायर कंटेक्टर लेना है। वायर कंटेक्टर को मोटर के शाफ्ट के ऊपर इस टाइप से कस देना है। यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है कि फुल टाइट कसना है। जो अगर आपका वायर कंटेक्टर ढीला होगा तो हमारी जो डोर बेल है वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगी और हमें इसकी जो दूसरी एक वायर ली है जो मैंने उसको भी इसके अंदर लगा कर कस दिया है और जो हमारी नट है इसको हमें इसके ऊपर अच्छी तरह से कर देना है। इसको हमें फुली टाइट कसना है फ्रेंड्स और जो हमारा प्लग होता है इस टाइप का प्लग उसमें से मैंने ये चीज निकाल ली है और हम इसके अंदर इसको खोल के इसके अंदर हमें ये वायर को इस टाइप से लगाना है। अच्छी तरह से खोल के लगाने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से यहाँ पे कस देना है। ठीक है गाइस, हमारे जब ये घूमेगा इसके ऊपर लगेगी तो हमारी जो साउंड है वो अच्छी तरह से आएगी। ठीक है, और जो हमारी स्विच होती है डोरबेल उसमें हमें ये दो वायर जो निकली है इसको इस डोरबेल की वायर के साथ कंटेक्ट करना है हमें। कंटेक्ट करने के बाद अगर आप और मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये आपको करंट नहीं मारेगी, आपको इसको 12 वोल्ट डीसी देना है। ठीक है, और ये 12 वोल्ट डीसी पे हमारी अच्छी तरह से वर्क करेगी।
हमारी जो दूसरी फायर बहन थी उसको भी हमें इसके साथ कंटेक्ट कर देना है इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जहाँ पे इस स्विच को लगाना चाहते हैं उसके साथ हमें अपनी वायर को ऐड कर देना है। और मैं आपको इसको 12 वोल्ट के अडप्टर से यहाँ पे चला कर दिखाऊंगा। ठीक है भाई, मैं आपको 12 वोल्ट के अडप्टर से इसको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। मैं आपको गाइस यहाँ पे इसकी वायरिंग समझा देता हूँ। जो हमारी दो मोटर से वायर आई हैं, ठीक है फ्रेंड, जो एक मोटर से आई वायर रेड हमारी यहाँ पे हमारे इस अडाप्टर के साथ एक कंटेक्ट हो गई है, और जो हमारी ब्लैक वायर है वो हमारी स्विच के साथ कंटेक्ट हो गई है यहाँ पे। ठीक है, स्विच के साथ हमारी कंटेक्ट है ये रेड वायर, और जो दूसरी स्विच से निकली वायर है वो हमारी इस अडाप्टर के साथ कंटेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ। चलो इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे इसको 12 वोल्ट अडाप्टर से सप्लाई दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्ट अडाप्टर की सप्लाई आ रही है, और यहाँ पे मैं इसको इस टाइप से सप्लाई दे रहा हूँ। आपको इसको टाइट कसना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगर ये हिलेगा तो अच्छी तरह साउंड नहीं निकलेगी। और यहाँ से इसकी स्विच ऑन करते ही आप देखना यहाँ पे हमारी जो है कितनी अच्छी तरह से वर्क करता है। आप देख सकते हैं गाइस, ये कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। जो हमारा ये नट बोल्ट लगाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप कोई भी नट बोल्ट लगा सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा हैवी नट बोल्ट मत लगाना, नहीं तो आपकी मोटर ज़्यादा वाइब्रेट होगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी साउंड है इसकी। मैं आपको गारंटी देता हूँ फ्रेंड जी, आपकी 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 लाइफ टाइम तक वर्क करेगी और जल्दी ख़राब नहीं होगी। अगर आप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।